इज इक्वल टू एंटू सी प्लस वन ओके और एक वैल्यू दिया गया बी इज इक्वल टू आईम सॉरी ए इज इक्वल टू बी माइनस सी द होल स्क् ढूंढा तो अभी बी स्क्वे इज इक्वल टू ए सी प्लस ए ये मुझे मिल रहा है और मैं अगर इसको एक्सपैंड कर दू एजल टू बी स्क्वेयर सॉरी माइनस टू बी सी और प्लस सी ये मुझे मिला अच्छा इधर से मैं ऐसे कर दूध माइनस ए सी इज इक्वल टू ए अब इधर एज इक्वल ए इज इक्वल टू ये है। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर वन दे दूं, टू दे दूं, दोनों को इक्वेट कर दूं, तो क्या मिलेगा बी स्क्वे माइनस टू बी सी प्लस इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस ए सी तो ये बी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर कट हो गया अब क्या हुआ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी प्लस टू बी सी तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी कॉमन ले लिया ए प्लस टू बी आ गया अब सी भी कट हो रहा है एक मिस्टेक हुआ है मेरा इधर माइनस ए सी है ना माइनस एसी प्लस टू बी सी तो अगर मैं सी कॉमन लेता हूं तो माइनस ए प्लस टू आएगा राइट एक सी को कट कर दिया तो सी इज इक्वल टू माइनस ए प्लस टू बी विच मींस ए प्लस सी इज टू बी क्या हो गया ए बी सी हो गया ए पी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन 123 का आंसर हो गया ए सब में आंसर ए